दोपहर का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ी हवा चल रही है, पेड़ के नीचे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई हूँ, अंदर भी रह रहे थोड़ा सा ऊब रही थी, मैंने सोचा चल बाहर थोड़ा सा टहल लेती हूँ। तो यहाँ पे हवा चल रही, हवा की वॉइस भी आ रही होगी। और अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया है, खाने में मैंने खाया था तुरई, आज तुरई बनाई थी, बहुत दिनों बाद तुरई बनाई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो सच में बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तुरई। और तुरई मेरी बेटी लेके आई थी नदी से, तो आप लोग को दिखाऊंगी, लेके चलूंगी नदी पे दिखाऊंगी आप लोग को वहाँ का। मैं तो नहीं गई बट मेरी बेटी गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लिप है वहाँ का, तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी कैसे वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगी हैं और कैसा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ। और रिक्वेस्ट वीडियो मैं बनाती हूँ लोगों की रिक्वेस्ट पे, तो उस पर मेरा मतलब वीडियो का एवरेज बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मतलब मन नहीं हो रहा कि मैं रिक्वेस्ट वीडियो बनाऊँ। इतना दिनों से मैं सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ, मिल गए, सही है, ले रख लो। तो पुन्नी के पैसे खो गए थे, देखो पुन्नी आई है, तो पुन्नी के पैसे सुबह गिर गए थे, तो सुबह तो नहीं मिले, अब उसको मिल गए, कह रही मिल गए थे, मैंने कहा चलो रख लो। तो मैं आप लोग को स्क्रीन पे दे दूँगी कैसा एवरेज आ रहा है, बिल्कुल बेकार एवरेज आ रहा है। तो आप लोग देखिए प्लीज़, ऐसा मत करिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वीडियो को देखिए, उसके बाद ही हमें तभी अच्छा लगेगा रिक्वेस्ट वीडियो पूरी करते हुए। और आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, हम वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत से, आप लोग वीडियो को फुल वॉच ना करो, देखो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग का मतलब रिक्वेस्ट वीडियो बनाने से। इससे तो मेरा ब्लॉग में थोड़ा बहुत ठीक एवरेज आ रहा है, तो फिर ब्लॉग ही बनाऊँ फिर अपना। तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, वॉच करेंगे, तो ही मैं रिक्वेस्ट वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी मैं। और मेरी ना दो तीन दिनों से क्या, नवदुर्गो के व्रत रखे थे जब मैंने, तो एक दो दिन बाद से मेरे सीने में बहुत दर्द उठ रहा, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा। और मैं अभी परसों एक्सरा करवा के लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा इतना दर्द हो रहा, लेटती हूँ तो दर्द होता है, उठती तो दर्द होता है, तो एक्सरा करवाया है, लेकिन अभी एक्सरा दिखाया नहीं, तो पता नहीं अभी एक्सरा में क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकलेगा, तो दिखाते हैं फिर पता चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं सूजन वगैरह हो गई, पता नहीं क्या हो गया, इतना दुख रहा है बहुत ज़्यादा, सांस ले रही हूँ तो दिक्कत हो रही, तो दर्द हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा। 3 दिन तक तो लॉकडाउन लगा, तो इस वजह से मतलब कोई मार्केट वगैरह नहीं खुली, दवा भी नहीं ले पा रहे हैं। अब देखो शायद कल लेके आएंगे फिर दिखाएंगे। तो चलिए आप लोग को नदी का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए ये रास्ते का व्यू है, और यहाँ पे देखिए ये सारी तुरैया के बेल है, तुरई की, और इसके अंदर छुपी हुई हैं तुरैया, बहुत सारी तुरैया लगी थी लेकिन अंदर पत्तों के नीचे छुपी हुई थी। और यहाँ पे देखिए ये भी है तुरई, और खीरे के पेड़ दिखाते हैं आपको, खीरे की बेल मतलब। तो आगे चलिए, बहुत सारे ये देखिए यहाँ पे, ये है खीरे की बेल, और यहाँ पे देखिए आपको जूम करके दिखा रहे हैं, दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये देखिए खीरे लगे हैं, ये देखिए ये लगा है खीरा, और ये देखिए गंगा फल लगा है, छोटे छोटे लगे हैं, ये देखिए
बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ककड़ी वगैरह, तरबूज वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे हैं लगी। और ये देखिए यहाँ पे ये तरबूज रखे हैं इसमें बंधे हुए, तो कितने सारे 2-3 कटली हैं तरबूज की, ये लोग तोड़ के लेके जा रहे हैं जिनका खेत है, ये देखिए। और तुरई हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी, सब्जियाँ, मिर्ची लगी है, हरी मिर्च। तो चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी फसल रखी हैं तो ये खीरे लाए, और वहाँ पर तुरैया और बहुत सब्जियाँ हैं। यहाँ पर देखिए तरबूज है, और मुझे इतना अच्छा लगा, यहाँ पर नदी है, मच्छी है, इतनी सारी वो तरबूज है। ये देखिए गंगा फल और तुरई है, ये तुरई। अभी हम गंगा फल भी दिखाएंगे आपको लगा हुआ। अरे तो दोस्तों ये देखिए, ये है मतलब पम्पकिन गंगा फल, मतलब आइए थोड़ी, और ये इनके फूल लगे हैं। ये तुरैया की आगे दिस साइड, और बाकी ये बड़े पत्तों की गंगा फल की है। ये देखिए एक ये है गंगा फल। मैंने किताबें सेट करके रखी, तो मुझे यहाँ पे एक किताब मिली थी बड़ी सोच का, ये किताब मैं पढ़ रही थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसमें तो इस किताब को पढ़ने के बाद सच में बहुत अच्छा लगा, और एक अंदर से मतलब उम्मीद जागी है। मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, उम्मीद होती है, लेकिन फिर वो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं जब ऐसा लगता है कि शायद हमसे नहीं होगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं तो हम लोग को सफलता नहीं मिलती। तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और विश्वास रखेंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी। और क्या होता है ना, जब भी हम कोई अच्छे काम करते हैं ना, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आगे बहुत से पत्थर आते हैं, बहुत से जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना है, उन पत्थरों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। सफलता पानी है तो फिर पत्थरों को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं जो रोकना चाहेंगे, तो उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़िए। तो मुझे तो फ़िलहाल एक किताब पढ़ के एक सीख तो मिली गई है कि कितना भी कोई रोकने की कोशिश करे, हमारी जो कामयाबी से जलेगा, हम आगे बढ़ेंगे तो उससे उसको बुरा लगेगा। तो फिर हमें क्या करना है कि आगे बढ़ते रहना है, इग्नोर करना है, ठीक है। इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए बस, और अपना आगे बढ़िए, सफलता पाइए। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलिए अभी तो मैं चाय बना लेती हूँ, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है। मैं डेली ये किताब पढ़ा करूँगी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के, और चाय बना लेती हूँ अभी। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, और चाय एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, दूसरी तरफ यहाँ पे थैली लेके आए थे हस्बैंड, तो यहाँ पे दूध मैं निकाल लेती हूँ। और दूध को बॉयल करना है क्योंकि फिर बाबू किसी भी टाइम मांगने लगता है, तो बस दूध बॉयल करके रख दूँगी। तो दोनों थैली मैं बॉयल कर लेती हूँ। और पता है क्या हुआ था, मैंने दोनों थैली बॉयल तो करके रख दी थी, बट मेरा सुबह तक ना दूध ये सारा जम गया था, क्योंकि एडिटिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ तो इसलिए बता रही हूँ, सब जम गया था। तो सुबह दूसरी थैली लेके आए तो फिर चाय बनाई। तो यहाँ पे देखिए शाम को मैंने चाय बनाई थी, और कुछ कचरे पापड़ भून लिए थे चाय के संग। तो यहाँ पे देखिए आप लोग भी खा लीजिए आके। तो चलिए हम लोग भी खा लेते हैं, और उसके बाद हम मिलते हैं अब नेक्स्ट डे सुबह को मिलते हैं, क्योंकि आज कुछ फिर उसके बाद मैंने सूट नहीं किया था। तो ये है नेक्स्ट डे सुबह का, मतलब दूसरा दिन। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं ब्रश कर रही थी, और सुबह को मैंने यहाँ पे हाथ के हाथ मैंने ना मशीन भी लगा दी थी। मैंने सोचा कपड़े काफ़ी पड़े हैं इकट्ठे, तो चलिए मशीन लगा देती हूँ और कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे तो इस वजह से। और थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इकट्ठे हुए पड़े कपड़े धुल भी नहीं पा रही थी मैं इस वजह से।
तो मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी, कपड़े धुलने हैं। इधर मैं ब्रश कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी, चाय वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ पे ना सरप ना ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा मैंने जितना सरप था वो डाल दिया था, बाकी थोड़ा सा ईजी डाल दिया था ताकि कपड़े जो आज के हैं वो तो वॉश हो ही जाएँ और बाकी फिर मंगा लेंगे, क्योंकि आज ही दुकान मतलब आज ही मार्केट वगैरह खुली है, कल 3 दिन से तो खुली नहीं थी। तो सामान वगैरह भी कुछ सरप ख़त्म हो गया था, महीने का लास्ट चल रहा था इस वजह से। तो चलिए अभी तो धुल लेते हैं और ब्रश कर लेती हूँ मैं, तो थोड़ी देर में मिलूँगी आप लोग से। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? और कपड़े वगैरह में धुल गए हैं, थोड़े से पड़े हैं मशीन में, वो सूख जाएंगे तो मैं वो भी फैला दूँगी। और आप लोग से ना एक बात कहनी थी मुझे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए। और वीडियो ब्लॉग बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इस समय मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तब भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और कैसे बना रही हूँ, कितनी परेशानी हो रही मुझे, समझ सकते हो आप लोग। तो बहुत मुश्किल से मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग, जब हम ब्लॉग बना रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उसका थोड़ा सा क्या है कि अगर आप लोग वीडियो देखोगे फुल वॉच करोगे तो अच्छा लगेगा ब्लॉग बनाते हुए भी। तो जैसे भी अभी बन रहा है थोड़ा बहुत वैसे मैं बना के पोस्ट करूँगी। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा एक भी दिन गैप हो, फिर भी कभी कभी रह जाता है मेरा दिन कि मैं नई वीडियो पोस्ट कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि वीडियो पोस्ट करूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करा करिए, इतना मेरा आप लोग से निवेदन है। तो चलिए अभी मैं नीचे जाती हूँ, और आज मुझे दवा लेने भी जाना है, देखो किस समय जाते हैं। बहुत तेज धूप हो रही छत पे। तो गाइस मैं आ गई हूँ दवा लेके,
और मैं दवा लेने गई थी। ये देखिए, ये मेरा एक्सरा है जो मैंने एक्सरा कराया था, और ये इतनी सारी दवा दी है, सीसी दी है, दवा दी है, 7-8 दिन की दवा खानी है, और परहेज वगैरह बताया है। और प्रॉब्लम क्या थी, मेरे जो पसली है इधर वाली पसली, सबसे लास्ट वाली पसली, वहाँ पे सूजन हो गई थी, तो वो प्रॉब्लम थी। मुझे तो डर लग रहा कहीं ऐसा ना फेफड़ों में दाग आ गया हो, और काफ़ी दिनों से खांसी हो रही थी। मैं बहुत लोग सबसे, मतलब घर में सबसे बोला था कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन सब ने कहा कि नहीं, ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, खांसते खांसते हो ही जाता है पसली में दर्द, तो बोल रहे थे सब ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, जब मैंने हस्बैंड को, जब भी दर्द होता था रोना आ जाता था, हस्बैंड को बताया, तब हस्बैंड ने एक्सरे कराया, तो जाके फिर ये प्रॉब्लम निकली, तब पता चली कि हाँ सूजन है पसली में, इस वजह से इतना दुख रहा है, इतना दर्द हो रहा है। लेट जाऊँ तो उठ नहीं मिलता है, धोख लगा कर उठती हूँ, और ऐसे उठती हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर साइड में ऐसे करके ये हाथ लगा के तो उठती हूँ, इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो बस हस्बैंड ने कराया एक्सरे वगैरह, तो जाके अब दवा खाऊंगी, परहेज करूंगी, फिर देखते हैं कब तक ठीक होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और बाय बाय, टेक केयर।